जय श्री राधे मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ चंद्रवन्नी। मित्रों, चंद्रवन्नी भक्तराज चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवन्नी भक्तराज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आद्य शक्ति माँ भगवती जगत जननी से करवत प्रार्थना करता हूँ कि माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके जीवन की समस्त विघ्न बाधाओं का माता रानी हरण करें और आपका जीवन जो है आनंददायी हो। तो माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हुए चंद्रवन्नी भक्ति रस चैनल के माध्यम से आज का जो हमारा वीडियो होगा वह होगा धनुराशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला 3 अप्रैल से लेकर के 9 अप्रैल तक का यह सप्ताह। तो धनुराशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, वीडियो के अंतिम में एक सुंदर सा उपाय भी आपको बताएंगे जिससे आपको जिस उपाय को करके आज आप जो है इस सप्ताह को आनंददायी बना सकते हैं। तो वीडियो में आप अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो अपने इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें और जो पहली बार जुड़ रहे हैं हमसे कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि इस प्रकार के वीडियो समय समय अनुसार आपको प्राप्त होते रहें और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित होते रहें। तो बात करेंगे धनुराशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा यह आने वाला सप्ताह। तो धनुराशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जो है करियर कारोबार की दृष्टि से जो है बहुत ही शुभ रहने वाला यह सप्ताह आपके लिए होगा, लेकिन घर परिवार और आपसी रिश्तों को लेकर आपको कुछ परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। घर परिवार से लेके आपसी जो रिश्ते हैं उन रिश्तों से लेकर के आपको कुछ परेशानियां जो है वह झेलनी पड़ सकती हैं। करियर कारोबार के लिए यह जो सप्ताह है बहुत ही शुभ होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में जो है छोटे बड़े जो आपके छोटे बड़े भाई बहन हैं अपने भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर आपका वाद विवाद भी हो सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और बिल्कुल भी वाद विवाद आपने अपने छोटे बड़े भाइयों से नहीं करना है। घर परिवार के वरिष्ठ लोगों से भी मनचाहा संयोग और समर्थन न मिल पाने के कारण आपका मन जो है वह खिन्न रहेगा। आपके घर परिवार के वरिष्ठ जो लोग हैं वह आपका संयोग नहीं कर पाएंगे जो आप चाह रहे थे, जैसा चाह रहे थे, और आपका संयोग उनका संयोग व समर्थन जब आपको नहीं मिलेगा तो इसके कारण थोड़ा सा आपका मन खिन्न हो सकता है। हालांकि यह स्थिति जो है लंबे समय तक नहीं रहेगी, कुछ समय तक ऐसी स्थिति रहेगी और सप्ताह के उत्तरार्ध में जो है जितनी भी गलत फहमियां हैं आपकी वह सारी दूर होती हुई नजर आती हुई दिख रही है। वह सारी गलत फहमियां होंगे सप्ताह के अंतिम हिस्से में। तो सप्ताह के मध्य में करियर कारोबार में अचानक से लंबी या छोटी दूरी की यात्रा पे आपको जाना पड़ सकता है। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें अपने करियर कारोबार के कारण आपको छोटी या लंबी यात्रा पे अचानक से ही जाना पड़ सकता है और वह जो यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। यात्रा जो करेंगे वह आपके लिए सुखद होगी और लाभप्रद वह यात्रा आपके लिए साबित होते हुए दिख रही है। आपकी हाल फिलहाल में किसी के साथ ही मित्रता जो हुई थी वह प्रेम संबंध में भी बदल सकती है। वहीं पहले से चले आ रहे संबंध जो हैं वह प्रागाढ़ होते हुए दिख रहे हैं और वैवाहिक जीवन जो है सुगमय बनाने के लिए आपको जो है अनावश्यक विवाह से बचना है। जो आपका वैवाहिक जीवन है जिनका विवाह हो चुका है धनुराशि के जातकों का, तो वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए आपको क्या करना है, अनावश्यक जो विवाद हैं उन विवादों से आपको बचना है तो आपका वैवाहिक जीवन वह सुखमय व्यतीत होगा। और अपने व्यस्ततम समय में से जो आपका व्यस्त समय है जहां आप व्यस्त रहेंगे जीवन में, तो उस व्यस्त समय से कुछ समय आपको आपको जो है अपने जीवन साथी के लिए निकालना है और परिवार वालों को कुछ समय आपको देना है, तो यह आपको जरूर करना है। सेहत और खान पान का आपको खूब ख्याल रखना है, सेहत का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है और खान पान का भी आपको ध्यान रखना है। तो बात करते हैं धनुराशि के जातकों को कौन सा उपाय करना है इस सप्ताह जिससे आप इस सप्ताह को अति आनंददायी बना सकते हैं। तो उपाय आपको क्या करना है कि प्रतिदिन जो है भगवान श्री विष्णु को जो है विष्णु भगवान को नारायण भगवान को आपको जो है केसर का तिलक लगा करके विष्णु भगवान को जो है केसर का तिलक आपको लगाना है और प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है। अगर पाठ हो सके तो अति सुंदर, नहीं हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार की संख्या में आपको प्रतिदिन जाप करना है और विष्णु भगवान का पूजन जो है केसर के तिलक से आपको करना है। विष्णु भगवान को केसर का तिलक आपको जरूर लगाना है, तो यह उपाय आपको जरूर करना है।
तो यह उपाय आप जरूर करें। इस उपाय को करने से आपका जो है यह सप्ताह आनंददायी होगा और जो भी विघ्न बाधाएं हैं भगवान विष्णु भगवान की कृपा से वह विघ्न बाधाएं आपकी दूर होंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। जो पहली बार जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक मां भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माता दी, हर हर महादेव। संभव।